सरकार देश की बड़ी एयरलाइंस एयर इंडिया का निजीकरण करने को तैयार है। इसकी खरीद के लिए अभिरुचि पत्र यानी ईओआई जमा करने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर थी। इसे खरीदने के लिए कई बड़ी कंपनियों ने रुचि दिखाई है, जिसमें एक बड़ा नाम टाटा ग्रुप का भी शामिल है। खबरों के मुताबिक टाटा समूह ने इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा कर दिया है। टाटा समूह ने एयर एशिया इंडिया के जरिए ये ईओआई दाखिल किया है। एयर एशिया में टाटा समूह की बहुत हिस्सेदारी है। अगर टाटा को सफलता मिली तो 67 साल बाद फिर से एयर इंडिया टाटा ग्रुप के पास जा सकती है। आपको बता दें कि भारत में एयरलाइंस की शुरुआत टाटा समूह के मुखिया जेआरडी टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में की थी। बाद में इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया और आज़ादी के बाद इसका सरकारीकरण हो गया। 1953 से ये पूरी तरह भारत सरकार के नियंत्रण में है और अब इसके घाटे में होने की वजह से सरकार ने एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है। एयर इंडिया के लिए अमेरिका के एक फंड इंटरप्ट्स इंक ने भी उसे खरीदने के लिए अभिरुचि पत्र दाखिल किया है। इंटरप्ट्स इंक ITUP खुद को कारोबारी अफसरों में निवेश करने वाली एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी बताती है। एक खास बात यह है कि एयर इंडिया के 200 कर्मचारियों के एक ग्रुप ने भी कंपनी को खरीदने के लिए बोली लगाने की इच्छा जताई। उन्होंने भी आधिकारिक रूप से अभिरुचि पत्र जमा किया है। इस ग्रुप का दावा है कि उनके साथ एक फाइनेंसर भी है। इसके पहले साल 2018 में सरकार द्वारा एयर इंडिया में 76% हिस्सेदारी बेचने का प्रयास विफल हो चुका है। घाटे में चल रही एयर इंडिया पर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें विमानों की खरीद और कार्यशील पूंजी के लिए लिए गए लंबे समय का कर्ज भी शामिल है। एक अधिकारी के मुताबिक अब एयर इंडिया पर महज 18,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। जब इसके लिए बोली आमंत्रित की जाएगी तो उसमें खातों में 18,000 करोड़ का कर्ज ही दिखाया जाएगा। पिछले साल उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि अगर एयर इंडिया का निजीकरण नहीं हो पाता है तो इसे बंद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा।